नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में आज दो बड़े आंदोलन हुए, दोनों के केंद्र में अन्नदाता रहे। सबसे पहले इसी की बात। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर बारिश से हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा नहीं देने, कर्ज माफी नहीं करने और किसानों से किए गए बाकी वायदों से मुकरने का आरोप लगाया। बीजेपी ने भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेता आंदोलन में मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके चलते झूमा झटकी और झड़प के हालात बने। पुलिस ने कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बीजेपी का आरोप है राज्य सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही, जबकि राज्य को पहले पर्याप्त राशि मिल चुकी है। अब आपदा और अन्य कारणों से दोबारा से राज्य केंद्र से राशि मांग रहा है। आप रोज एक नया मुद्दा लेकर आते हो, ताकि आपने जो वायदे मध्य प्रदेश के किसानों से किए थे, किसान का ध्यान, मध्य प्रदेश की जनता का ध्यान वहां से हट जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी, और इसीलिए किसान के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम किसान के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ जनता के साथ खड़ी है। कमलनाथ सरकार ने धोखा दिया है और प्रदेश भर में अधिक वर्षा के कारण तबाही हुई है, किसानों की फसलें तबाह हुई है। कमलनाथ सरकार जागी नहीं है, इसलिए आंदोलन किया जा रहा है। शिवराज जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय सांसद रहे, विधायक भी रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यदि थोड़ी सभ्यता का परिचय दे। कड़ी नींद में नहीं सोने देगी, और अगर जनता की मांगों को, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया तो हम ईंट से ईंट बजाएंगे। इंदौर में बीजेपी को पार्टी का झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। झंडा उठाने के लिए किराए के मजदूर बुलाने पड़े। बीजेपी ने आज किसानों के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन में कार्यकर्ता कम और किराए के मजदूर ज्यादा दिखाई पड़े। जबकि बीजेपी ने लाखों किसानों के साथ प्रदर्शन का दावा किया था, वहीं बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती है। बावजूद इसके बीजेपी को खुद की पार्टी का झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिले। इस काम के लिए 200 रुपए के रेट से 60 से 70 मजदूरों को बुलवाया गया था। इस बात का खुलासा खुद मजदूरों ने किया कि वो अलग अलग ग्रुप में आए हैं, उन्हें झंडा उठाने के लिए 200 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं के बिगड़े हुए बोल भी सामने आए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताचरण शर्मा ने छिंदवाड़ा में कहा कि प्रदेश की बाहरी सरकार को जगाने के लिए जरूरत पड़ने पर बम भी फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि बार बार आंदोलन करने के बाद भी अगर बहरी सरकार नहीं जागती तो शहीद भगत सिंह के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर बम फेंक कर सरकार को जगाने चेताने की बात कही। इधर इंदौर में बीजेपी के विधायक आकाश जयवर्गी ने मंच पर खुलेआम अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि हम कभी खाली हाथ नहीं घूमते, सबको पता है। नीमच के मनासा से बीजेपी विधायक अनिरुद्ध मारू ने कहा कि गांव में किसान कांग्रेसियों को पकड़े और उनसे कर्ज माफी का पैसा भरवाए, और ऐसा नहीं करने पर उन्हें जूते लगाए। कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। वहीं उमरिया में बीजेपी नेता विनोद गोटिया ने कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की बीजेपी आंखें निकाल लेगी। बैरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज की जरूरत होती, सरदार भगत सिंह ने कहा था जब असेंबली में बम फेंका था। अभी वो नौबत नहीं आई, आई तो वो भी करेंगे। जैसा मनोज भैया ने बोला ना, कमरे में बंद करेंगे, तो मैं आपको बताया फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है, आपको बताया फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है, आपको बताया फिर हम खाली हाथ तो घूमते नहीं है।
इधर अहम खबर यह कि मंदसौर बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज हो गया है। यशपाल सिंह सिसोदिया समेत 10 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था और इसीलिए इन पर केस दर्ज हुआ। तो मंदसौर से बीजेपी विधायक पर केस दर्ज हो गया। यशपाल सिंह सिसोदिया समेत 10 लोगों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट में ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिन भर आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। किसानों की कर्ज माफी अधूरी, किसानों से किए गए वायदे अधूरे, बिजली के बिलों को पूरा भुगतान के लिए जो नोटिस दिए गए उन सब के खिलाफ आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। इसी से जुड़ी बड़ी खबर, मंदसौर बीजेपी विधायक पर धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। कलेक्ट्रेट में इन्होंने प्रदर्शन किया था। वैसे मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर एक तरफ नहीं दोनों तरफ से धरना प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी ने जहां राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो इधर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा, लेकिन केंद्र की तरफ से बार बार मांगने पर भी आर्थिक मदद नहीं दी गई। कांग्रेस ने इस मामले में भोपाल से लेकर इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भोपाल में आंदोलन की अगुवाई कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने बिहार कर्नाटक को तो आर्थिक मदद दी, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। केंद्र के ऊपर मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव के आरोप दोहराए। इधर जबलपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश को जल्दी किसानों को राहत पहुंचाने की मांग की। ग्वालियर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा जताया। किसानों के लिए राहत राशि न मिलने तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन जारी रखने की बात कही। प्रदेश के साथ केंद्र की सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, इसके विरोध में ही कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में हम लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। केंद्र सरकार ने जितना भेदभावपूर्ण रवैया पूर्ण रूप से अपनाया है, हर विभाग का पैसे कटौती की और खास कर से अतिवृष्टि और किसानों की धनराशि की जो सेंटर ने टीम भेजी थी वो आज तक उन्होंने धनराशि नहीं दी है और बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उसको लेकर हमारी पार्टी ने हमने मिलकर ज्ञापन दिया। केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ, जो सरकार कांग्रेस की प्रदेश में सौतेला व्यवहार कर रही है, केंद्र सरकार को चाहिए, जो मोदी साहब कहते हैं किसान हमारा भगवान है, यदि किसान भगवान है तो मोदी सरकार को तत्काल जितना पैकेज मांगा है प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए, वो सारा पैकेज केंद्र सरकार को देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अति सक्रियता इन दिनों बीजेपी को खटक रही है। यही वजह है कि बीजेपी शिवराज को बार बार मध्य प्रदेश और भोपाल से दूर करने की कवायद करती है। सवाल ये, क्या वाकई शिवराज और एमपी बीजेपी में तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा? विधानसभा चुनाव और फिर झाबुआ विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी शिवराज से फासले बनाती दिख रही है। सत्ता के खिलाफ शिवराज भले ही सड़कों पर उतरने को आतुर क्यों ना हो, लेकिन उनकी सक्रियता के चलते कई मौकों पर बीजेपी और शिवराज के बीच खटास भी साफ दिखती है। विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज ने आभार यात्रा निकालने का ऐलान किया था, लेकिन संगठन की नाराजगी के चलते बात आगे नहीं बढ़ी। इसी साल अप्रैल में शिवराज ने बीजेपी की जानकारी के बगैर
शिवपुरी में किसानों के हक में धरना दिया और समर्थकों के साथ गिरफ्तारी भी दी। मंदसौर में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि की मांग पर शिवराज ने 22 सितंबर को धरना देने का ऐलान किया, जबकि बीजेपी ने 20 सितंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन की योजना बनाई थी। झाबुआ उपचुनाव में प्रचार के दौरान भी शिवराज और बीजेपी की ये दूरी नजर आई। नामांकन के अलावा शिवराज और राकेश सिंह पूरे प्रचार में कहीं भी एक साथ नहीं दिखे। 11 सितंबर को भी बीजेपी ने अपने घंटानाद आंदोलन में शिवराज को विदिशा में प्रदर्शन की जिम्मेदारी दी थी, जबकि राकेश सिंह ने भोपाल में मोर्चा संभाला था। इसी तरह सोमवार को हुई किसान आक्रोश रैली में भी रीवा की जिम्मेदारी देकर शिवराज को भोपाल से दूर रखा गया। जाहिर है, जहां एक तरफ शिवराज की सक्रियता से बीजेपी असहज है, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज भी खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। शिवराज सिंह के अकेले सक्रिय रहने पर बीजेपी के नेता भले ही कुछ न बोले, पर विरोधी जरूर तंज कस रहे हैं। पिछले 10 महीने में जब से भाजपा को मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश से रवाना करा है, तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन जो बोलता है उसके विपरीत हैं। इनको अपने राजनीतिक जमीन खिसकती हुई मध्य प्रदेश से दिख रही है इन नेताओं को। सत्ता पक्ष शिवराज के हाल पर भले ही मजे ले रहा हो, लेकिन बीजेपी नेता इसे कांग्रेस की फूट डालो राज करो नीति का हिस्सा मान रहे हैं। शिवराज जी जिस स्तर पर संगठन को समझते हैं, इस बात को जनता भी समझती है और कार्यकर्ता भी जानते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो अंग्रेजों के स्तर पे जो जिस तरह से फूट डालो राज करो चलती थी, उसी स्तर पे अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होने वाली। सूबे की सियासत से दूर रखने के लिए बीजेपी ने शिवराज को सदस्यता अभियान समिति का राष्ट्रीय संयोजक बनाया, ताकि वो प्रदेश की राजनीति एमपी बीजेपी के जिम्मे सौंप कर राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस करें। लेकिन शिवराज हैं कि मानते ही नहीं। बीजेपी अब विपक्ष में है, विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सदन के बाहर जनता के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन 13 साल सीएम रहे शिवराज अब ना तो नेता प्रतिपक्ष है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष। यही वजह है कि वो अपना वजूद जिंदा रखना चाहते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। एक बड़ी खबर शहडोल से इस वक्त मिल रही है। अटेर से बीजेपी विधायक का एक विवादित बयान सामने आया। अरविंद भदौरिया ने मंत्री जीतू पटवारी को लेकर यह बयान दिया है। जीतू पटवारी को मानसिक दिवालिया बताया, बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान यह बयान दिया है। तो बड़ी खबर शहडोल से, अटेर से बीजेपी के विधायक अरविंद भदौरिया ने अब मंत्री जीतू पटवारी को लेकर कहा है कि वो मानसिक तौर पर दिवालिया है। बीजेपी का प्रदर्शन था और इस दौरान आज कई बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़े। इसी श्रृंखला में शहडोल से खबर आई है कि अटेर से बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया ने मंत्री जीतू पटवारी को लेकर यह बयान दिया। जीतू पटवारी मानसिक दिवालिया आदमी है, मस्करा टाइप का आदमी होता ना, मस्करा टाइप का आदमी। वो जीतू पटवारी को मैं कहना चाहता हूँ, उसके ही मंत्री कहा का उमंग सिंघा, वो क्या कहते हैं कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह पूरा रेत खा गया, पूरा लकड़ी के बंद खा गया, पूरा भ्रष्टाचार का माफिया है, उसका बेटा माफिया है, जयवर्धन माफिया है, ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता हूँ। तो जीतू पटवारी को कहना चाहता हूँ, पहले उमंग सिंघार की बातों का समर्थन करिए। उज्जैन के मुंजाखेड़ी में चल रहे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में चौथे दिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम शामिल हुए। मणिशंकर अय्यर ने शिविर में आए कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर कहा कि कांग्रेस मरी हुई नहीं है, जीवित है और फिर से उभर कर आएगी। कांग्रेस के इस चिंतन प्रशिक्षण शिविर का संचालन AICC कर रही है। राहुल गांधी के नज़दीकी सचिन राव के नेतृत्व में इस शिविर में मध्य प्रदेश और गुजरात से चुनकर आए लोगों को जिला संयोजक के तौर पर तैयार किया जा रहा है, जो संघ के संगठन मंत्री की तरह काम करेंगे। शिविर में आए कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने कहा, संघ अपने शिविर में नेगेटिव विचार देता है, हम अपने प्रशिक्षण में सकारात्मक विचार देते हैं। जिस दिलचस्पी के साथ ये बात सुन रहे हैं और जो सवाल वो उठा रहे हैं, इस ये दर्शाता है कि कांग्रेस कहीं मरा हुआ शव नहीं है, ये हम जीवित हैं और हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हम पुनः उभर कर आएंगे। और जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने अपनी सरकार बनाई है,
वैसा ही देश भर में हम बनाएंगे। कांग्रेस की स्थापना 1885 का है, तो हमारे लोग पूरी तरह से देश की प्रगति, देश के विकास के लिए एक रूपता के साथ विचार करते हैं, संगोष्ठी करते हैं। आरएसएस का उदय जो हुआ है और बीजेपी जो प्रशिक्षण देती है वो नकारात्मक विषय के प्रशिक्षण होती है और कांग्रेस सकारात्मक विषय के प्रशिक्षण। पन्ना जिले की पवई सीट से बीजेपी के बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। प्रहलाद लोधी ने भोपाल की स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने भोपाल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा के फैसले पर रोक की मांग की है। हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी की अपील पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। प्रहलाद लोधी ने अपनी अपील में कहा कि भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 2014 में रैपुरा तहसीलदार के साथ मारपीट के मामले में उनको 2 साल की सजा दी, जबकि वारदात में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। प्रहलाद लोधी ने हाई कोर्ट से स्पेशल कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। हनी ट्रैप मामले में आज आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को पुलिस ने भोपाल कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने श्वेता को 1 दिन की रिमांड पर सीआईडी के सुपुर्द कर दिया। सीआईडी ने कोर्ट से श्वेता की 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन श्वेता के वकील की दलील के बाद कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। सीआईडी ने मानव तस्करी के मामले को लेकर आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन के रिमांड की मांग की थी। ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, 6 तारीख को उनको परमिशन दी है, 6 तारीख को वापस पेश करेंगे। कल की रिमांड है उनके पास, कल का दिन है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ओरिजिनल मामला है पलासिया थाने में दर्ज, जिसमें एसआईटी जांच कर रही है, उसमें ऑलरेडी जिस संबंध में आज इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।